हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दिस इज ध्रुव शर्मा एंड यू आर वाचिंग ध्रुव शर्मा व्लॉग। हमारी यात्रा शुरू होती है जम्मू रेलवे स्टेशन से। जम्मू रेलवे स्टेशन से आप कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर कटरा आ सकते हैं, और कटरा आने के बाद सबसे पहले आपको यात्रा पर्ची की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको भवन पर दिखानी है। यात्रा पर्ची मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑफलाइन कराइएगा, मतलब आप खुद जाकर कराइएगा, ऑनलाइन मत कराइएगा। वो आपसे कुछ डिटेल लेंगे, जैसे आपका नाम, एज, और आपको एक कार्ड इशू करा देंगे जो आपको अपने साथ रखनी है। यहाँ से ही हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है, और अगर आपके पास कोई कैमरा है तो वो अंदर नहीं जाएगा। मेरा भी कैमरा GoPro वो पकड़ लिया था। और अगर आपके साथ कोई फीमेल पार्टनर है, आप उनके हैंडबैग में रख सकते हैं, क्योंकि फीमेल्स की ज़्यादा चेकिंग नहीं होती, तो मैंने भी ऐसे ही करा था। और अगर आपके पास कोई भी फीमेल पार्टनर नहीं है, जो बाहर दुकानें हैं जो प्रसाद बेचते हैं, आप उनको दे सकते हैं, क्योंकि वो लॉकर सुविधा आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ पर आपको पिट्ठू, घोड़े और पालकी की सुविधा मिल जाती है। यहाँ पर जो पिट्ठू हैं वो स्ट्रोलर लेकर चलते हैं, आप उनमें सामान रख सकते हो स्ट्रोलर में, या अपने बेबी को बिठा सकते हो। और ये कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है। कटरा से अर्धकुंवारी तक 340 लिए थे, और अर्धकुंवारी से भवन तक 340 लिए थे, और भवन से भैरव तक 240 लिए थे। यहाँ पर हमने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया था, हम अपना स्ट्रोलर, अपने बेबी के लिए स्ट्रोलर हम घर से ही लेकर गए थे, और एक स्ट्रोलर हायर कर लिया था जो 340 रुपीज़ उसने हमसे चार्ज करे थे। उसमें हमने अपना सामान रख दिया था, और अपने बेबी को अपने स्ट्रोलर पर बिठाकर उसकी यात्रा कराई थी। बस ध्यान रहे कि आप ग्रुप में होने चाहिए, एक कपल या सिंगल पर्सन नहीं, आप ग्रुप में होने चाहिए, लगभग 3 जने, तभी आपको स्ट्रोलर फ़ायदेमंद रहेगा, जिससे बेबी भी नहीं थकता। और हम 3 के ग्रुप में थे, जिसकी वजह से हमारी बेटी ने इंजॉय भी करा, वो स्ट्रोलर में सो भी गई, उसने अपनी मील भी ले ली, और वो थकी भी नहीं, और जब मन करा वो उतर जाती थी और पैदल भी चलने लगती थी बीच बीच में। स्ट्रोलर हम घर से इसलिए लेकर गए थे क्योंकि हमको रेंट पर सिर्फ भवन पर या अर्धकुंवारी पर हमारी यात्रा में मिलता, जिसे हमें कटरा में मार्केट में घूमना है या जम्मू में घूमना है तो वहाँ पर रेंट पर नहीं मिलता। और मेरी सलाह है कि अगर आप स्ट्रोलर बुक करते हैं तो पिट्ठू के साथ साथ चलिए, उसको बोलिए कि आप मेरे साथ साथ चलें, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है कि वो बच्चों को डांटने भी लगते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, और बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। हमारा पहला पड़ाव था अर्धकुंवारी, और हमने अर्धकुंवारी में ही स्टे करा, क्योंकि हमारे ग्रुप में भी कुछ नए लोग थे और एक बेबी था जिनको आराम की सख्त ज़रूरत थी। अर्धकुंवारी आते ही सबसे पहले हमने खाना खाया, जो कि ट्रस्ट की कैंटीन में खाया था, और यहाँ पर लगभग 45 रुपये में आपको एक अच्छी मील मिल जाती है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि बाहर रेस्टोरेंट में ना खाएं, क्योंकि फूड यहाँ का ही बेस्ट है। अर्धकुंवारी पर गर्जुन की गुफा के लिए भी हमने नंबर लिया था, पर वो नेक्स्ट मॉर्निंग तक भी नहीं आया था, तो अर्धकुंवारी पर सिर्फ हमने एंजॉय किया। अर्धकुंवारी पर भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी और वाइब बहुत अच्छी थी, हमारे पूरी दिन की थकान यहीं मिट गई थी। अर्धकुंवारी में शैलपुत्री भवन में हमने स्टे किया था, जो कि हमको 150 पर हेड पड़ा था। ये एक डोरमेट्री है, सोने के लिए डोरमेट्री मिलेगी, एक कंबल मिलेगा और वॉशरूम की सुविधा मिलेगी। मैं रिकमेंड करता हूँ आप ऑनलाइन कर लीजिएगा, ऑफलाइन भी होता है लेकिन बहुत कम चांस रहते हैं कि यहाँ पर आपको बेड मिल जाए। अर्धकुंवारी में आप फ्री में भी स्टे कर सकते हैं, भगवती भवन में। अर्धकुंवारी से भवन के लिए हम नए रास्ते से गए थे, जो कि बैटरी कार्स के लिए है। इस रास्ते का सबसे अच्छा फायदा यह है, यहाँ पर गंदगी कम मिलती है, क्योंकि यहाँ पर घोड़े नहीं चलते।
कटरा से भवन तक की अर्धकुआरी तक आपको पानी, स्नैक्स, आपको वॉशरूम की सुविधा सब मिलती है। भवन के पास आते ही आपको एक पार्वती भवन मिलेगा। यहाँ पर आपको लोकर रूम मिलेगा, आपको नहाने की सुविधा मिलेगी और यहाँ पर काफी अच्छी सुविधाएं हैं। इसी के सामने से आप प्रसाद ले सकते हैं। थोड़ी सी आगे जाते ही आपको मनोकामना भवन मिलेगा। यहाँ पर आपको डोरमेट्री, आपको फूड, आप स्टे कर सकते हैं यहाँ पर। जैसा कि आपको पता है कि प्राकृतिक गुफा में जब भी आप जाएंगे तो कोई नुकीली चीज, कोई चमड़े की चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए, पर साथ ही साथ आप सॉक्स भी नहीं पहन सकते। बल्कि मेरी बेटी ने सॉक्स पहने हुए थे, उसको मना नहीं किया गया, लेकिन जितने भी वहां पर भक्तजन आए थे सबके सॉक्स उतरवा दिए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं स्ट्रोलर लेकर आया हूँ यात्रा के लिए, और इस यात्रा में सबसे हार्ड पार्ट भैरव की चढ़ाई था। हम दो के ग्रुप में थे जो कि हमने वो यात्रा संपूर्ण कर ली, वरना हमारे साथ बहुत मुश्किल हो जाती। भैरव का जो ट्रैक है वो छोटा है, बहुत ज़्यादा घोड़े इस पर चलते हैं, और हम रोप वे से जाना चाहते थे लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमारा कोई ऑनलाइन टिकट भी नहीं था, हमको ऑफलाइन ही कराना पड़ता, तो हमने सोचा कि इससे अच्छा थोड़ी सी मेहनत लगेगी और हम इस ट्रैक को कम्प्लीट कर लेंगे। थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमने ये ट्रैक कम्प्लीट कर लिया तो हम पहुँच गए भैरव मंदिर। वहाँ से भवन का नज़ारा अल्टीमेट था। भैरव मंदिर में ज़्यादा चेकिंग नहीं थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हमारे दर्शन जल्दी हो गए थे। वहाँ हमने कई सारे फोटोज लिए और फैमिली के साथ कुछ वक्त बिताया। जितनी मुश्किल हमको स्ट्रोलर ऊपर पहुंचाने में हुई, उससे ज्यादा आसान हमको वो स्ट्रोलर नीचे लाने में हुआ। और हम इतनी स्पीड में आ रहे थे कि रुद्रांशी और मैं बहुत आगे जा चुके थे, और सांझी छत पर हमने काफी एंजॉय किया। तो फिर क्या था, बैक टू कटरा। सबसे पहले जाकर हमने कराई मम्मी पापा की मसाज, जो कि 30-50 रुपीस में हो जाती है, और उसके बाद किया था बाणगंगा में स्नान। बहुत ही साफ पानी था जिसमें मछलियां भी घूम रही थी, और ये बहुत ही अच्छी थेरेपी थी हमारे लिए, हमारी सारी थकान मिट गई। और इस यात्रा का सबसे बेस्ट पार्ट था गुलशन कुमार का लंगर। पूरी यात्रा में इससे स्वादिष्ट भोजन हमने कहीं पे भी नहीं खाया। इसी के साथ हमारी यात्रा संपन्न हुई। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।